Everyone, myself Mohammad Sabir Mohyuddin, certified personal trainer and proprietor of ProSix Gym, Maula Ali. चलिए आज बात करते हैं हमारी वीडियो शोल्डर वर्कआउट से रिलेटेड, जो कि मेजर पार्ट है बॉडी का एक। जब भी कभी भी अगर आपका शोल्डर अच्छा डेवलप रहेगा तो आप टी शर्ट या शर्ट जब भी पहनेंगे तो बहुत बेहतरीन बॉडी दिखेंगी आपकी। शोल्डर में मेन पार्ट आपका डेल्टाइस से, शोल्डर का लुक पूरा आपका डेल्टाइस से। तो आज की हमारी वीडियो बनेगी पूरी डेल्टाइस के ऊपर, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए पूरी वीडियो देखने के लिए। और पोस्चर ऑफ साइड लैटरल राइज करने के लिए कैसा करना है उस बतलाएंगे, और हमारी ड्रॉप सेट वर्कआउट भी बतलाएंगे। हमने बताया कि ड्रॉप सेट कैसा करते हैं और पिरामिड वर्कआउट कैसा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर लैटरल राइज का पोस्चर और आपको ड्रॉप सेट कैसा करना है लैटरल राइज में वो बतलाएंगे आपको। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि जब कभी भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज हमारे साथ हमारे जिम के मेंबर आमिर खान है, जो कि हमें पोस्चर ऑफ साइड लैटरल राइज करने में मदद करेंगे। कैसा पोस्चर ऑफ साइड लैटरल राइज करना है वो बतलाएंगे हम। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप जब कभी भी कर रहे हैं तो आपका कोर स्ट्रेंथनिंग रहना है और थोड़ा स्लाइडली बेंड रहना है। एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखना नहीं है, थोड़ा बेंड करना है और आपके कोर को स्ट्रेंथनिंग करके रखना है, पकड़ के रखना है, और चेस्ट को टाइट स्टिफ चेस्ट को उठा के ऊपर की तरफ रखना है। और जब कभी भी आप लैटरल राइज कर रहे हैं तो आपका मूवमेंट हैंड स्ट्रेट नहीं रहना है, स्ट्रेट नहीं रहना है। स्ट्रेट रहने से आपका शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा स्लाइडली बेंड करना है आपको और हाथ को स्ट्रेट रखना है। बहुत सारे लोग एल्बो को स्ट्रेट कर देते हैं या नहीं तो एकदम सामने की तरफ कर देते हैं, जो कि फ्रंट लैटरल राइज के हिसाब में हो जाता है। तो आपको सिर्फ स्लाइडली बेंड करना है, ठीक है। ध्यान में रखिए कोर, चेस्ट और आपका एल्बो। चलिए स्लो मूवमेंट में करके बताइए और ज़रा ऊपर लीजिए। चमन परफेक्ट, ये पोजीशन में आपको करना है। एक टेन करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो जब कभी भी आपका मज़े मूवमेंट स्लोली नीचे की तरफ आना है, एकदम सडन ऑफ द मूवमेंट हैंड को मूवमेंट करना नहीं है, आपको हैंड को ऊपर लेके जाके स्लोली मूवमेंट में नीचे लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉप सेट करके बतलाएंगे आपको लैटरल राइज में ड्रॉप सेट कैसा करना है, क्या करना है। ड्रॉप सेट के माने हैं आप ज़्यादा वेट ले लें, उसको रेपिटेशन कम करें, जैसा कि 8 रेपिटेशंस 10 केजी। अब यहाँ पे हमने 6 केजी लिया है, 6 केजी के 10 रेपिटेशंस, फिर 5 केजी से 12 रेपिटेशंस, फिर 3 केजी से 15 रेपिटेशंस। हमारा वेट ड्रॉप हो रहा है और रेपिटेशंस बढ़ रहा है। रेपिटेशंस आप सेम भी रख सकते हैं या नहीं तो रेपिटेशंस बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेपिटेशंस बढ़ाएंगे, वेट कम करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉप सेट रहेगा, जो कि आपके बॉडी के लिए और मसल्स के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इंटरनली टीयर मसल को टीयर करने के लिए, फाइबर टू टीयर करने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा ये। चलिए स्लो मोमेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्लोली सेवन वन मोर एट। चलिए ड्रॉप 5 केजी स्लो मूवमेंट। तो वेट यहाँ पे आपको कम करना है, रिपिटेशन बढ़ाना है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। मोर टू मोर टू कम ऑन परफेक्ट लेवल वन मोर ट्वेल्व। चलिए अब 3 केजी से 15 रेप्स लगेंगे। वन टू थ्री फोर मोमेंट नहीं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवल
12 slowly, 13, 14, 15. ध्यान में रखिए, कोशिश करिए कि आपका बॉडी स्विंग ना हो, स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ रहे और चेस्ट अप करके रखें और मूवमेंट कभी भी स्लो में आना चाहिए. 3 वेरिएशंस आप पिरामिड टाइप करने के बाद में वेट इंक्रीज रेप्स इक्वल रखने के बाद आप 3 सेट्स करने के बाद फोर्थ सेट आपका ड्रॉप में लीजिए जब कभी भी है, तो आपका मसल ये शोल्डर का जो है डेल्टा स्पॉट है ये आपका टोटली अच्छी तरीके से डेवलप होएगा. तो ये था हमारा आज का वीडियो शोल्डर लैटरल राइज ड्रॉप सेट में. हमारे साथ बने रहिए, आइंदा जब कभी भी हमारे वीडियोस नए अपलोड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल सके. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए. थैंक्स.